क्या करते भाई तुम लोग? पायलट? आप पायलट? आप भी पायलट? तीनों पायलट? कौन सी एयरलाइन? गो एयर। के लुट गए हाँ लुट गए के लुट गए हम वाडिया की चादरों में। टफ जॉब है यार पायलट की, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अ लॉट आई गेस ना, बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ पढ़ना पड़ता है। नहीं और सोच रहा हूँ, मेरे को इसलिए लगता है यार, इसलिए जो प्लेन में जो आगे वाली सीट वॉशरूम लगाया है ना, वो गलत जगह लगाया है। आगे वाला वॉशरूम नहीं होना चाहिए भाई। आप सोच रहे हो दो बंदे बैठ करके आगे एक दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधों पे, और इसके ठीक एक दीवार पीछे एक दीवार पीछे सोच रहे बैठ करके, हाँ जी आगे से लेफ्ट हो जाए। मुझे लगता है इसीलिए पायलट लोग कई बार खुंदक में प्लेन हिलाते थे, निकाल जा। इसलिए पढ़ाई करी क्या कितनी? पीछे बैठ के टट्टी कर रहा है यहाँ पे यार। कई बार आपको सुनाई तो देता होगा ना वॉशरूम की आवाज़ है, अंदर गए फ्लश, अरे यार कॉफी भी नहीं कर पीने देगा साला, तीन बार से लैंडिंग करे जा रहे हैं अंदर गए। नहीं कई बार गुस्सा नहीं आता जी आए, बस देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक इंसिडेंट है। मैं भाई 32 साल का हो गया सर, और पहली बार जब मैं फ्लाइट में गया था ना, तब मैं 23 साल का था, 23 years old। तो मैम मैंने नोटिस करा मुझे फ्लाइट ट्रैवल की बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज आई हैव गॉटन इट वेरी लेट। मेरी फर्स्ट जॉब ने मेरी फर्स्ट फ्लाइट लेके दी थी, तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने देखा लोग आजकल फ्लाइट में अलग बात पे ही लड़ रहे होते हैं। पिछली बार एक अंकल लड़ाई कर रहे थे, कह रहे जी चाय ठंडी है जी, मज़ा नहीं आया। मैं कहा मैं बुढ़ाऊ, तुम्हारी जमीन पर भी यही दिक्कत चल रही थी। मैं कहा तुम्हारी आसमान में सेम प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार? नहीं, दिस इज एन एपिटोम ऑफ टेक्नोलॉजी। जमीन से 35,000 feet ऊपर 900 की स्पीड पे एक चीज भाग रही है, उसकी रिस्पेक्ट करो ना यार। इनकी वही दिक्कत है, चाय ठंडी है, वॉशरूम छोटा है। तो क्या करे बुड्ढे, तेरा बंगला लेके उड़ जाए क्या? क्या करे जिससे तुझे शांति मिले? और दिल्ली से लखनऊ 45 मिनट की फ्लाइट है, मत कर टट्टी। खाएंगे भी यही, हगेंगे भी यही, हगेंगे भी लेट करके पूरा। किसी को बिहेव नहीं करना रहा सर फ्लाइट में। एंड आई हैव नोटिस्ड आई एम वेरी हम्बल इन फ्लाइट सर, आई एम वेरी हम्बल। मैं इतना हम्बल बंदा हूँ ना भाई प्लेन में, इतना हम्बल हूँ, मेरे को विंडो सीट मिलती है ना, विंडो सीट मैं नीचे देख के बाय बाय करता हूँ। मैं पूरे रास्ते बाय बाय करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है। मुझे पता है नीचे 15 नंगे बच्चे खड़े हैं, वो नीचे से लगे बड़ा बाय बाय रंपलेन। एंड समबडी नीड टू आंसर। उनको बेचारे को पति ऊपर अंकल बैठ के हग रहा है, वहां भी वहां जाके भी इंसान हग रहा है, बताओ। नहीं किसी को भी हम नहीं करना आ रहा है भाई प्लेन में। और मैंने कई बार नोटिस करा है यार, लोग ना एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं कई बार यार। देखा कई बार लोग एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं, पिछली बार अंकल मजे ले रहे रैंडम, अरे मैडम सैंडविच तो बड़ा महंगा है। मैं कहा अंकल बाहर जाए खरीद लो, जाओ जाओ बाहर, मुझ तुम लेकर निकलो एकदम। नहीं भाई सच में, कभी आपने वो देखा है एयर होस्टेस की आंखों में ज्वाला? देखिए ज्वाला, खुंदक देखिए खुंदक। मैंने देखी थी भाई, मैं दिल्ली मुंबई आ रहा है एक बार, और उन्हें तो आपने देखा वो 6 लोग जो होते हैं प्लेन में, देखिए वो 6 लोग जो प्लेन लैंड होती खड़े हो जाते, देखा है आपने? जैसे ही प्लेन का टप्पा पड़ते गाड़ का स्प्रिंग निकलता बाहर, जैसे टप्पा पड़ा हाँ जी मेरा थैला ना छूट जा कहीं। हाँ भाई कसम से, पिछली बार आ रहा मैं, वो परेशान बेचारी चिल्ला रही सिट डाउन, अंकल पता क्या कर दे भाई, तमीज ही नहीं आ रही जनता को, मैं बता रहा हूँ यार, कुछ भी कर रहे हैं प्लेन में लोग। नहीं लोगों, और वैसे कई बार मैंने देखा सर केबिन क्रू को भी नहीं पता क्या करना है, केबिन क्रू को भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ। पिछली बार मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, और आप यकीन नहीं करो प्लेन में फुल टर्बुलेंस हो रही, गड़गड़ करके हिल रहा है प्लेन। एंड दिस एयर होस्टेस शी स्टार्टेड हर ओन थिंग, शी वॉज लाइक नाउ वी विल बिगिन द सेल ऑफ आर मर्चेंडाइज। मैं कहा ऐसे चल रहा है ऐसे, ये थोड़ा सीधा कराओ ना, यहाँ किसी का शॉपिंग का मूड लग नहीं रहा, यहाँ 180 लोग ही फटी पड़ी है, ये आंटी इतनी तेज हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मुझे हनुमान जी जाते दिखाई दे रहे हैं।
गलती से स्पीकर ऑन हो गया तो पायलट खुद हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। और क्या बेच रहे प्लेन में देखा है आप लोगों ने, मर्चेंडाइज के नाम पे इमिटेशन ज्वेलरी, पावर बैंक, ये गोयर में ही होता था पता है। एंड आई लाइक क्या ये प्लेन है कि पाली का बाजार है, क्या क्या है, क्या ये क्या हवाई जहाज है कि दुकान है, हम मंडी आए का सामान खरीदने हम। नहीं सर मैं लोगों को भी नहीं पता कैसे बिहेव करना है, लोगों को भी नहीं पता। पिछली बार मैं जा रहा हूँ मुंबई से दिल्ली और आप यकीन नहीं करोगे, समझ देख लो नो क्रंची भाई, नो क्रंची ये देख लो नो क्रंची भाई। एक अंकल ने उड़ते प्लेन से ओला ही बुक कर दी, सच में, मतलब एकदम उड़ते प्लेन से नहीं करी, जब ऐसे लैंड होने वाला होता है ना, लाइक व्हेन यू लैंड इन दिल्ली देयर इज एन अप्रोच फ्रॉम गुड़गांव, यू कुड सी गुड़गांव आपको नीचे दिखना शुरू हो जाता है, यू कुड सी कि एक बंदा स्कॉर्पियो से निकल के हवा में गोली मार रहा, साढ़े प्लेन तोड़ दूंगा तेरा। तो वहां पे ना अंकल का नेटवर्क आ गया, तो मुझे कह रहे बेटा मेरा नेटवर्क आ गया। मैं कहता हूं अंकल मेरी गांड क्यों खा रहे हो। और मैंने सच में देखा भाई अंकल के वोडाफोन के दो डंडे आ रखे थे, मैं कहा ये वोडाफोन मेरा जमीन पे नहीं आ रहा है। इनका उड़ते प्लेन में नेटवर्क आ रहा है और मुझे कह रहे बेटा ओला दिखा रहे 2 मिनट समय बुक कर दूं। मैं कहा अंकल ओला तो नहीं पहुंचेगा, काम करो आप कूदो, आप निपटो आज, खोलो आपातकालीन खोलो यार, निकलो आप। पर भाई आप यकीन नहीं करोगे, अंकल ने ओला बुक करी और ओला बुक हो भी गई, पर जब तक प्लेन लैंड हुआ दिल्ली में रनवे पे ओला 40 मिनट सवे, क्योंकि ये तो गुड़गांव के जीपीएस से बुक हुई है, पायलट को थोड़ा पता अंकल को ड्रॉप कर रहा है वहां पे, वो तो ले आया प्लेन दिल्ली में रनवे पे। और एयर होस्टेस को दुनियादारी से मतलब ही नहीं, वो अपना अनाउंस कर रही है पैसेंजर्स कैन यूज देयर फोन्स नाउ। मैं आगा ओला बुक करके बैठा हरामखोर, ये यहां से बोल रहा भैया मुझे गुड़गांव जाना है, कह रहा भैया हम गुड़गांव में ही खड़े हैं, आपका बुकिंग आया आप यहीं थे, फिर आप बिल्डिंग फाड़ते फाड़ते चले गए, हमको लगा कहीं परमात्मा का बुकिंग तो नहीं आ गया। हम देखे ओला की ऐप में वो पीला बिंदु डीएलएफ की डी के छेदा के बीच में से निकला है, अभी आप एक बड़े से मैदान में दिखाई दे रहे हैं, आए क्या। ये चल रहा भाई प्लेन में, कुछ भी चल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। एंड हैव यू गाइस एवर फ्लोन इंडिगो, गए हो आप लोग इंडिगो, ये ऑलवेज फ्लोन इंडिगो, हर एयरपोर्ट में खड़ी भाई है 200 इंडिगो, 2 लाल वाली स्पाइस जेट, हमारे पास भी जहाज है भाई, है हमारे पास भी है, थोड़ा 3-3 घंटा लेट उड़ते हैं, क्या हुआ। हाँ सच बता रहा हूँ। और गोयर तो भाई ऐसे आपको पता है, गोयर तो चुपचाप इंडिगो के कलर में प्लेन उड़ाता था, देखा आपने कभी, देखना पार्किंग में 4 इंडिगो होते बीच में गोयर लगा दे। वो भी कह रहे हैं हमें क्या मतलब भाई, मेन काम तो चदरों का है अपना, इट्स अ जीके जोक। आप एयर इंडिया में तीनों पायलट, एयर इंडिया यार आप लोग बातें क्यों नहीं करते कस्टमर, जो भी हम हैं पीछे लोग, जैसे इंडिगो वाले कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, देखिए लगे रहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गो स्ट्रेट, वी गो लेफ्ट, वी गो राइट, और योर लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी दिस, राइट हैंड साइड यू कैन सी दिस। मैंने कहा भाई धुंध रखी है, यू कैन डू दिस, पूरे रास्ते बात कर, भाई नींद लगी रही होती, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन। यार चला लो यार आप, हम कुछ कर सकते हैं, डू वी हैव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, हम लोग जो बोलते हैं आई एम फ्लाइंग, नो यू आर जस्ट सिटिंग, समबडी एल्स इज फ्लाइंग। और ये एयर इंडिया वाले बात ही नहीं करते भाई, एक इंसान को जो पीछे जो लोग बैठे थे उनको सबसे ज्यादा पायलट का एश्योरेंस पता कब चाहिए होता है, जब गंदी टर्बुलेंस होती है और उस टाइम सब चुप एकदम, भाई मौत का माहौल चल रहा है पीछे, इनको मतलब पता ये रोज कर रहे हैं, ये निकाल लेंगे पीछे जो बंदा पहली फ्लाइट ले रहा है, ट्रेन ही ठीक है पीछे भाई प्लेन, और जब जब गंदी टर्बुलेंस होती सब बैठ जाते हैं, देखा सब ऐसे एक बात, कई लोग तो हैंडल ऐसे पकड़ते ऐसी ब्रेक मार देंगे, मैं ही रोक दूंगा इसे अपने आप।
नहीं यार उस टाइम थोड़ी बात कर लिया करो ना, ये इट्स मैनेजेबल इजी, थोड़ा एक कैसे जब पायलट अच्छे से बात बोलता है बट माइल्ड टर्बुलेंस, तो अच्छा लगता है आपको कि चलो ठीक है इसको माइल्ड लग रहा था, माइल्ड ही होगा हमें नहीं पता चला, हम फुद्दू हमें चलाना थोड़ा ना आता है, ये माइल्ड होना था ये माइल्ड ही होगा, ये भाई एकदम टर्बुलेंस में सब शांत, वो एयर होस्टेस भी चुप एक दूसरे को देख रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ सच में भाई, कुछ भी चल रहा है प्लेन में मैं नहीं नहीं इन जनरल। प्लस मैंने नोटिस करा इंडिगो में ना थोड़ा वो लोग अपने केबिन क्रू पे थोड़ा अत्याचार करते हैं, आपने नोटिस करा है? जैसे बाकी सारी एयरलाइन में गया उनको बोला जाता है बेसिक हाइजीन मेंटेन करो आ जाओ, कभी आपने इंडिगो एयर होस्टेस का हेयर स्टाइल देखा? उनका हेयर स्टाइल उनकी ड्रेस का ही पार्ट है शायद, सच बता रहा हूँ भाई, वो एकदम ऐसे झोटा टाइट करके आती देखा आपने, किसी एयरलाइन में नहीं होता ये, सिर्फ इंडिगो में होता है। उन्होंने हर एयरपोर्ट के बाहर ना एक आंटी रखी हुई जॉब पे जो इनकी चोटी बना बना के जा बेटी जा, आप रात को 3 बजे ले लो इंडिगो, 3 बजे वो हमेशा यस सर हॉकर इतना तेज खींचते हैं आंखें बंद ही ना हो पाए, पलक भी नहीं झपकती भाई इंडिगो एयर होस्टेस की, मैं बता रहा हूँ आपको। मैम आप रिलैक्स करो थोड़ा, कोई बात नहीं आप रेस्ट, आप थोड़ा रेस्ट लो रेस्ट लो। एक तो मेरे को भाई बच्चे समझ नहीं आते प्लेन में, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद किड्स क्राइंग, इट्स ओके यार दे आर किड्स दे विल क्राई, जाहिर सी बात है बच्चे रोएंगे है कि नहीं, पर आपने देखा ये आजकल प्लेन में नई औलादे आती हैं, ये देखिए नई औलादे ये वाली, ये नहीं होती 4-5 साल वाली नई औलादे, देखिए जिनके यहाँ तक के बाल होते हैं यहाँ तक के, ये देखिए सारे आयान इयान, ये देखिए अरे कियारा टियारा देखिए नहीं वाली भाई, मैं जा रहा हूँ पिछली बार प्लेन में 4 साल का बच्चा एक बार आया भाई एडिडास का जूता पहन के घूम रहा है, एडिडास भाई बढ़ते बच्चे को एडिडास कौन दिलाता है, हमने आधी जिंदगी काट दी एडिडास पहन पहन के, और ये इतना सा झांट बराबर बच्चा है ये एडिडास पहन के अपनी मम्मी से बदतमीजी कर रहा है, Hey mom, why are we traveling economy today, mom? Why are we not traveling business today, mom? और मैंने उसे देखा, मैं कहा भाई 3 करोड़ जितनी गांड, मैं कहा 3.5 छोटे छोटे पोतड़े हैं, यार रख के भग जा लगेज बना के फेंक दूंगा, मामा भैया गलत बोल रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है इंडिगो ना देखो अच्छी एयरलाइन लगती है क्योंकि कनेक्टिविटी ज्यादा है वो सब है, पर थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना अपने वो हेलो बेबी और भाई कैसा है कितने साल का है ये 2+ ही है सही है, क्या नाम कियान भाई अब क्या टाइमिंग हुई है भाई, इसको टॉप करना तो बहुत मुश्किल है बेटा, कियान आपको पता भी नहीं बेटा, आपको पता भी नहीं आपने मेरा यूट्यूब रेवेन्यू बनवा दिया है, इज अ यंग किड बट इज अर्निंग राइट नाउ ओनली यू नो, कोई जाएगा नहीं हाँ वीडियो खत्म हो गया, आई होप यू लाइक द वीडियो। दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई अगर आपने मेरा लाइव शो देखा है अभी तक, गौरव कपूर लाइव के नाम से मैं शो करता था पिछले 2-2.5 साल से, जिसमें 2-2.5 घंटे का टोटल मटेरियल है, उसमें से कोई भी 1 घंटा में करके आ जाता था, बट फाइनली आई एम गिविंग अ प्रॉपर नेम एंड अ फॉर्मेट टू माई शो, द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा। यस, जब मैं ये बात बोलने वाला था तब यहाँ पे एक पोस्टर आना चाहिए था, पर भाई हमारे पोस्टर में करे भेजा ही नहीं, 2 दिन से इंतजार करो भाई ने नहीं भेजा, द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा, इट विल बी 1 आवर लॉन्ग शो एंड आई विल बी डूइंग टूर विद दिस शो अक्रॉस इंडिया, यूरोप की भी 5-6 सिटी कर रहा हूँ बट मेनली इंडिया टूर है दिसंबर तक का, जिसमें काफी सारी सिटीज ऑलरेडी लाइव है, ये सब मेंशन होंगी यहाँ पे कहीं ना कहीं या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कॉमेंट में, तो डू कम फॉर दिस शो बिकॉज आई विल बी रिटायरिंग दिस शो
इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जैन फेब मार्च किसी ना किसी टाइम पे ये पूरा शो रिटायर कर देंगे। प्लीज कम फॉर द शो, द नेम ऑफ द शो इज चमन चटोरा। अगर आप लोग शो पे मेरे ऑलरेडी आए हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कौन सा वाला सेट होने वाला है, बट इट्स गोइंग टू बी वन आवर शो, इट्स गोइंग टू बी टोटली हिलेरियस, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, बट मेनली इट्स गोइंग टू बी स्टैंड अप कॉमेडी सेट, ठीक है। एंड ये मत सोचना कि भाई अगर यूट्यूब पे आ रहा है फरवरी मार्च में तो वहीं देख लेंगे, भाई लाइव की फील अलग, दुनिया से अलग फील होती है। टूर इज लाइव, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद और कौन कौन सिटी है, कोलकाता, नागपुर, चेन्नई भी डालूंगा इस बार, पुणे डालूंगा, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब का पूरा टूर, बाकी कई सारी सिटीज डालूंगा। सो सी यू गाइस इन दी शोज, टेक केयर। देखा 10 सेकंड बोल के 2 मिनट ले लिए, बाय।